विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं मध्य प्रदेश को एक उद्योग प्रधान राज्य बनाने की तरफ, जिससे हर घर में रोजगार हो और हर जिला में विकास। और इस लक्ष्य को भेदने की तरफ हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, क्षेत्रीय लोकल संसाधनों उत्पादों को हम बढ़ावा दें और रोजगार के और अवसर उस क्षेत्र में लेके आए। जैसे कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो मध्य प्रदेश शासन की अनुकूल नीतियाँ और आपके निवेश के साथ हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश के सतत न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में हमारे ये कॉन्क्लेव्स हैं। और विकास की धारा जो हमारे उज्जैन से शुरू हुई, आगे बढ़ते हुए हम जबलपुर पहुँचे, जबलपुर से ग्वालियर और अब सागर में, और सागर के साथ साथ ये पूरे बुंदेलखंड को ये विकास की यात्रा सिंचित करेगी। तो सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को समर्पित इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हम मंगलमय शुभारंभ करते हैं। ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद, उनको हम शत शत प्रणाम करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः देवी सज्जनों जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन, उनका आशीर्वाद हम सभी को, इस प्रदेश को, और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हुए इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी से निवेदन है आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, इस चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करते हुए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो पहली बार हमारे साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़ रहे हैं। तो हमारे प्रगतिशील और बहुत ही मेटिकुलस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में विश्वास रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना में मध्य प्रदेश का योगदान अहम हो, महत्वपूर्ण हो। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार कर This is a conclave, ladies and gentlemen, where we not only have the captains and leaders of India participating, but we also have representation from six countries. Their delegates present with us. We have the Honorable Ambassador of Mongolia present on the dais, and also the Council General of Thailand. And now, Devi Sajno, first of all, their आभार सहित स्वागत करते हैं, जिनकी सोच, जिनकी मंशा, जिनकी पहल हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हैं और जिनके सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव और प्रगति देख रहा है। मैं निवेदन करती हूँ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। देवी सज्जनों, आप सभी से भी निवेदन है एक बार आप सभी की तालियों के बीच और फूलों की इस चहकता और महकता के साथ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री जी का और स्वागत मंचासीन हमारे अन्य माननीय मंत्रीगण का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देवी सज्जनों, हमारे सभी मंत्रियों की विशेष नीतियों के कारण मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। श्री चैतन्य कश्यप जी का हार्दिक स्वागत, हमारे माननीय MSME मंत्री। श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्याय धर्मस्व विभाग। श्री लाखन पटेल जी का पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और श्री दिलीप अहिरवार जी का माननीय राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण विभाग। हमारे सेक्टोरल सेशंस में भी आप हमारे माननीय मंत्रीगण को सुनेंगे जो हमारे सरकार की नीतियां हैं। और विशेष रूप से आभार और स्वागत वीडी शर्मा जी का। स्वागत श्री गोपाल भार्गव जी का। भूपेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत मंच पर। श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और देवी सज्जनों, अब प्रस्तुत है एक लघु फिल्म जो न केवल सागर और बुंदेलखंड की औद्योगिक क्षमता का दोहन करती है, पर साथ साथ उन अवसरों का, अपॉर्चुनिटीज़ का, नीतियों का, इनिशिएटिव्स को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है और इसी दिशा में हर कदम एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में इस राष्ट्र निर्माण के महाअभियान में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। आज ये राज्य भारत के सबसे प्रगतिशील प्रदेशों में से एक है और निवेशकों के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। 112 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 7 स्मार्ट सिटी, 14 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश की औद्योगिक शक्ति को लगातार नया आयाम दे रहे हैं। यहाँ की औद्योगिक नीति उद्योगों के लिए लाभकारी वातावरण में व्यवसाय की राह को अत्यधिक आसान बना दिया है। सरप्लस पावर, प्रचुर जल संसाधन, विशाल लैंड बैंक, सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं नो मैंडेज लॉस जैसी अनूठी सुविधाएं मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आदर्श बनाती है। प्रदेश का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 5,00,000 किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का व्यापक नेटवर्क, रेल नेटवर्क प्रदेश को देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ता है। 5 प्रमुख एयरपोर्ट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो और जबलपुर नए व्यापारिक अवसरों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ के 2 ज्योतिर्लिंग, 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और 12 नेशनल पार्क लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश को देश का फूड बास्केट भी कहा जाता है। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्रों में भी ये राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र एवं डिजिटल युग के साथ कदम ताल करते हुए आईटी के क्षेत्र में प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। मध्य प्रदेश अब वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और तेजी से टेक्सटाइल गारमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क, फुटवेयर पार्क, आईटी पार्क्स इत्यादि औद्योगिक पार्क एवं हब्स आकार ले रहे हैं। कौशल विकास और उच्च शिक्षा के नवाचारों ने यहाँ एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार किया है जो राज्य के विकास की नींव है। आज मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। उद्योग के लिए अनुकूल नीतियां,
सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी कार्य प्रणाली ने इसे निवेश के लिए एक आकर्षक और सुरक्षित स्थान बना दिया है। प्रदेश में संतुलित और समान विकास की दिशा में कदम बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभिनव पहल पर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं भारत के प्रमुख शहरों में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं एवं नए रोजगार सृजन हेतु इंटरैक्टिव सत्र इस विकास यात्रा को और गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए तैयार है। आइए 7 और 8 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिलें और साथ मिलकर भविष्य के नए अवसरों के द्वार खोलें। विकसित भारत एवं विकसित मध्य प्रदेश में अपना सशक्त योगदान दें। तो देवी सज्जनों, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और इसे साकार करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये कोशिश है कि आपके निवेश को, आपके उद्योगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए एक इजी, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एक फैसिलिटेटिंग वातावरण आपको दिया जाए जिससे आपका निवेश यहाँ पर सुगम हो, सुविधाजनक हो और साथ साथ आपका निवेश यहाँ पर फायदे का सौदा भी हो। तो अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं हमारी निवेश नीतियों के बारे में और जो संभावनाएं हैं, जिन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं आपके निवेश के प्रति, और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी को। सभी को नमस्कार। बुंदेलखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूँ। ये धरती आल्हा उदल की धरती है, ये धरती महाराज छत्रसाल की धरती है, ये धरती महान शिक्षाविद हरि सिंह गौर की धरती है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद और विधायकगण, कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित मंगोलिया के राजदूत महोदय, थाईलैंड के महावाणिज्य दूत महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े बिजनेस लीडर्स, यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, बिजनेस कम्युनिटी के लोग, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के हमारे बंधुगण, मैं आप सभी का रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव सागर में स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो भविष्य के लिए अपने आप को आज तैयार पाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का दूसरा, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, और एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, पाँचवें नंबर का कंज्यूमर मार्केट पूरे देश भर में है। मध्य प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है, कॉपर, मैग्नीज और डायमंड, कोल, और इसके विषय में हमारे प्रमुख सचिव खनिज और विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सर्वोत्कृष्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भारत में प्रथम स्थान पर है। भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट है। इंदौर ने लगातार स्वच्छता के अवार्ड शहर के रूप में जीता है। मध्य प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से भी 30% से ऊपर यहाँ पे वन क्षेत्र हैं। भारत का करीब करीब 12% से ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, और पर्यावरण की दृष्टि को ही और आगे बढ़ाते हुए लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मध्य प्रदेश की कम्पिटिटिवनेस को बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आगे लेकर जाता है। GIS एनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई का विशेष प्रबंध है। करीब करीब एक
ये चीज़ संभव हो पाई है कि अब अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो ऑटोमेटिक आपका म्यूटेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश जैसा मैंने बताया कि मिनरल्स में बहुत ही समृद्ध है, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम कॉपर के हैं, मैग्नीज के हैं, डायमंड केवल मध्य प्रदेश में है। हमारी पॉलिसीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं और 100 करोड़ से ऊपर के निवेश के लिए कस्टमाइज पैकेज भी हम मध्य प्रदेश में प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश की चर्चा हो और एग्रीकल्चर की चर्चा ना हो, कृषि की चर्चा ना हो, फूड प्रोसेसिंग की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। मध्य प्रदेश चूँकि एक विशाल प्रदेश है, इसमें 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो कि एक वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मध्य प्रदेश में लेके आते हैं। मध्य प्रदेश लगातार विनर रहा है कृषि कर्मण अवार्ड का, 7 हमें अवार्ड मिले हैं। मध्य प्रदेश ऑरेंजेस के, टोमेटोज के, मसालों के, गार्लिक के, चना के और अलग अलग तरह की जो दालें हैं उनके प्रोडक्शन में पूरे भारत में पहले नंबर पे है। सोयाबीन, वीट, मैस, सिट्रस फ्रूट्स और अनियंस, इनके प्रोडक्शन में भारत में दूसरे नंबर पे है। मिलेट्स के प्रोडक्शन में भारत में 5वें नंबर पे है। और जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड में दिखा रहे हैं हम लोग कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में है। फूड क्लस्टर पार्क्स हमारे यहाँ हैं, स्पाइस पार्क हमारे यहाँ हैं, फूड पार्क निगरानी खरगोन में है, फूड पार्क नर्मदापुरम में पिपरिया और बाबई में है, भिंड में है। पूरे मध्य प्रदेश में आप इस प्रेजेंटेशन में, इस स्लाइड में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है मित्रों कि इनकी वजह से ITC, पार्ले एग्रो, टाबर क्राफ्ट, LT फूड्स, अदानी विलमार और मंडलेस ने मध्य प्रदेश को चुना है अपने निवेश के लिए। मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के लिए भी लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोल बेड मिथेन, जिसके बारे में तफसील से हमारे माननीय प्रमुख सचिव खनिज बताएंगे, और गैस प्रोडक्शन विंध्यन रीजन में मिला है। हमारे यहाँ एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। हमारे यहाँ प्लास्टिक्स से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से हमारा कंज्यूमर